मम्मा को किसी दो। अरे वाह, तो चलो। ओहो ओहो, तो संगवारी हो, ये देखो मैं पूजा में जाए पर रेडी हो चुके हूँ और मोर बेटा किसे नवा। जय छत्तीसगढ़ संगवारी हो, स्वागत है आप मन के अपन छत्तीसगढ़ी चैनल से जी ब्लॉग्स में और मैं जागृति बहुत बहुत स्वागत करत हूँ, अभिनंदन करत हूँ। तो संगवारी हो, देखो आज मोर हाथ में चूड़ी भी है, टिकली भी है, सब चीज है। और अभी मोर मम्मी मोला बहुत डांटत रही से, तो अभी पूछता हूँ काबर डांटत रही। मम्मा इधर आओ, मॉम आनंद आई। तो संगवारी हो, देखो मम्मी हाँ जब मैं गे उमेर और बोले हूँ दीदी से बात मत कर, मोला अपन ब्लॉग शूट करना है। का बोला रहे मम्मी बता दो। लाल टिकली लगा बेटा, काला नहीं लगा। तो संगवारी हो, मोर मम्मी भी बहुत डांटा तरी से का सुहागन होके काला टिकली लगाए, मतलब मैं काजल ला लगाए हूँ। तो मोर शुरू से एक सोच रहे संगवारी हो, अगर बच्चा मन ला लगाथन हमन हा तो ओला नज़र नहीं लगाए बोलते है ना, काजल लगाथन तो नज़र नहीं लगाए। अगर मैं काला बिंदी लगा लूँ तो मैं का दिक्कत है, तो अपन अपन सोचो थे। और कौन नियम बनाए हैं कि सुहागन है तो केवल लाल टिकली रंग बिरंगी लगा सकते काला? भाई काला तो सुरक्षा के प्रतीक हरे ना, और देखो कितना सुंदर दिखत है काजल हरे। तो मैं नहीं मानो, बस ये नियम ला नहीं मानो कि सुहागन मन के लिए बिंदी कलर ये सब मैटर करते। भाई अच्छा दिखना चाहिए, और अगर मैं काला लगाऊं तो मोर तो सुरक्षा होना चाहिए है ना। तो संगवारी हो, देखो अभी आप मतलब बैग से दिखाता हूँ, पूरा घर इतना शांत है। मैं पापा ला नाश्ता बना खिला चुके हों, और चार सोमवार में एक भी सोमवार उपवास नहीं रहे हो, तो अभी ये लास्ट सोमवार ला रहा था हूँ। और घर इतना भाए भाए करत है, मोर बच्चा मन नहीं है, दीदी मन नहीं है, तो आप मतलब दिखाता हूँ। ये देखो पूरा घर खाली, जमे जुमाए घर भी दिखाता हूँ, पूरा सब खाली खाली, सब बस हवा चलत है, हवा चलत है, और मोर कोई बच्चा बच्चा दीदी मन नहीं है। ये देखो संगवारी मन, आज के ब्लॉग के शुरुआत कुछ इस प्रकार है कि आज हमन जाबो भोलेनाथ के पूजा में, और हमर पैतृक घर हरे और जिन मंदिर हरे, संगवारी हो बता दूँ जब मैं जन्म ले रहे हो ना वही सन के बने मोर मंदिर हरे। और हमर घर में हर साल पूरा मोहल्ला के पूरा आसपास पूरा पारा के मन आते, और वहीं आज के दिन रुद्राभिषेक होते। और हमार मतलब प्राचीन मंदिर है हमारे घर में जिन बने हैं समझो, तो आज अपन दादी के घर के पास लेके जाऊँ, जहाँ सब आई हम मन जाबो और मैं भी जाऊँ आज, और आप मतलब भी मैं भोलेनाथ के दर्शन कराऊँ, घर के दर्शन कराऊँ। तो संगवारी हो ब्लॉग में बनी रही हूँ, और नया संगवारी मन हूँ तो मोर चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दूँ। और संगवारी हो आप मन इतना माया दुलार दे थो, ओकर में मतलब मैं बता भी नहीं सकूँ कि मैं कितना खुशकिस्मत हूँ कि आप मन इतना ज़्यादा प्यार करत हो मोर फैमिली मन है। तो जय छत्तीसगढ़, चलो ब्लॉग में बने रहो। हो अभी मैं रेडी हो गए हूँ रुद्रला स्कूल से लाए बर, अभी बजे थे 11 और रुद्रला लाना है स्कूल से 12 बजे, लेकिन मुला बहुत सारा काम है, फल फ्रूट लेना है आज उपवास हैं तो। और क्या बोलते हैं मम्मी के, ये देखो रिपोर्ट ला पकड़े हों मम्मी के, कल रात में अचानक से तबीयत ख़राब हो गई रही से, तो डॉक्टर से भी मिलना है। और मम्मी के बिगड़ गए इस मोबाइल तो वो भी लाना है, और मंदिर से जाके नारियल भी लेना है। कुल मिला के 5-6 काम है, तेन लग 11 से 12 बजे के बीच कंप्लीट करके फिर रुद्र के स्कूल जाना है, और रुद्र ला लेके आना है, फिर पूजा के तैयारी करना है। और वो उतनी दूर मोर घर है जहाँ पूजा हुई वहाँ अपन ला लेके चलूँ। तो चलो संगवारी हो, सबसे पहले मैं मार्केट से आ जाता हूँ, और ओकर बाद आप मन लेके चलूँ अपन घर। तो ये देखो मोर स्कूटी, और मैं रेडी हो गए हूँ, और मोर बेटा खुश हो जाए मैं उला लेके बढ़ जाऊँ। तो संगवारी हो अब मैं पहुँच गया हूँ मंदिर, माँ षष्ठी मंदिर, और ये हमारे बलौदा बाजार के बहुत ही फेमस मंदिर है। ये देखो शिवलिंग के भोलेनाथ के मूर्ति में बहुत ज़्यादा महिला मन के भीड़ है। और संगवारी हो बता दूँ षष्ठी मंदिर के बारे में, अपन दर्शन कर लो, और ये माता के आप मतलब खास चीज़ दिखाता हूँ। तो चलो अंदर पहुँचे के बाद ही दिखाता हूँ। तो ये देखो संगवारी हो, ये जिन पेड़ आप मन देखत हो ये माता के उद्गम स्थल हरे, बीच से माता निकले है। चलो अब आप मतलब षष्ठी माता के दर्शन कराता हूँ। ये बच्चा मन के माता हरे, हर कोई हर शुभ काम से पहली माता के पूजा करते। ये हरे षष्ठी माता, और ये हरे माता शीतला मंदिर, और ये यहाँ के कुछ इस टाइप के नज़ारा है। और जैसे ही हमन ये तरफ जाबो
तो हमन ला शनि देव के भी मूर्ति मिलते और ये काली माता हरे संगवारी हो और ये हरे शनि देव। जय शनि देव। ये हरे मंदिर, ये हरे कुंड और बहुत ही अच्छा परिसर है संगवारी हो। बलौदा बाजार में बहुत बड़े एरिया में बने हुए हैं। तो चलो संगवारी हो, मैं पहली नारियल ले लेता हूँ, उसके बाद निकल गए। तो संगवारी हो, ये देखो मैं नारियल भी ले डरे हूँ और ये हमार माता के मंदिर और उसी भर पूरा पूजा हुआ थे, वो देखो पूरा मंदिर प्रांगण। तो चलो संगवारी हो, अब नारियल ले थन और निकल थन। तो संगवारी हो, अभी पहुंच गए हूँ मैं वाजपेयी हॉस्पिटल। ये देखो मल्टी स्पेशलिस्ट वाजपेयी नर्सिंग होम करके, काफ़ी बड़े हैं। और अभी मैं जाके मम्मी के रिपोर्ट लब दिखाने वाला हूँ। यहाँ के ज़्यादा सूट तो नहीं कर रहा हूँ, बट बस थोड़ा सा आप मल्ला दिखा दें। चलो अब ये देखो मिरर में आप मल्ला दिखा हूँ, चलो मैं अंदर चलता हूँ। तो संगवारी हो, अभी मैं अपन बेटा ला लेबर आ गए हूँ स्कूल, काबर की पूजा में जाना है। और ये देखो बेटा के स्कूल है और दीदी अभी लाइबर गए हैं, वो तरफ से आई रुद्र। चलो आप मल्ला दिखा था, बस रुद्र बसाया है आज। तो ये देखो मोर बेटा आ गए रुद्र। चले बेटा, आज मम्मा जल्दी आ गई। चलो 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 चलो, पानी पिए हो आज टिफिन को? चलो तो कोई नहीं आया। अरे अभी छुट्टी नहीं हुआ है, बैग को पूरा खोल लिए हो? मम्मा वहाँ तो कोई नहीं आया। तो अभी छुट्टी नहीं हुआ है ना? अरे वहाँ कोई नहीं आया अभी। अच्छा, उनको वो नहीं आया है मिठाई वाला, चलो उधर लेंगे। ओके नहीं, वहाँ नहीं लेता। आज मम्मा लेने आई है। अरे कैसा लग रहा है इधर बताओ? अच्छा लग रहा है। हाँ इधर देख के बोलो, अच्छा लग रहा है। मम्मा को किसी दो। अरे वाह, तो चलो। ओहो ओहो, संगवारी हो मैं घर आ गए हूँ और ये देखो मैं कितना सारा फल फ्रूट लाए हूँ, पास से दिखाता हूँ आप मल्ला। ये मैं अनार है, गाजर है और नारियल भी है। तो अभी अब टोकरी ले आता हूँ और रुद्र अंदर चल रहे हैं। देखो रुद्र बाबा कैसे फेंकते पंचूता। ये दादू आज तो बहुत जल्दी आ गया भैया। ये देखो कैसे उतारते। उन्नो पापा आज फिर बोला, आज तो कुछ नहीं है कुछ नहीं है। उहील कहादरी से ओ बॉम्बे मिठाई वाले ला। तो चलो संगवारी हो, अब जल्दी जल्दी पूजा पाठ के तैयारी भी कर। संगवारी हो, ये देखो मैं पूजा में जाए पर रेडी हो चुके हूँ और मोर बेटा किसे नंगू बंगू घूमत है और अभी अब मैं जाने वाला हूँ पूजा में। चलो संगवारी हो, अब आप मल्ला भी लेके चलता हूँ, बहुत टाइम हो गया। वैसे मैं रुद्राभिषेक में पूरा टाइम नहीं रुक पा हूँ, बहुत सारा घर में काम है। तो अभी मैं सबसे पहले जाता हूँ और पूजा वूजा का सामान ला पकड़ लेता हूँ। चलो संगवारी हो, ब्लॉग में बने रहो। तो संगवारी हो, अब हो गया मैं तैयार और मोर पैर में अलता भी लग गए और अभी अब मैं जाता हूँ रुद्र ले के, मम्मी तो नहीं जाते। तो चलो अब अपन घर लेके चलता हूँ, अपन लोग दिखाता हूँ। चलो बेटा, चलो बेटा जल्दी आओ आओ, साइकिल में चलना तुम भी, पैदल पैदल जाना है। मम्मी इधर ही नहीं जावते संगवारी हो, काबर की मम्मी के घुटना में दर्द है करके। और ये देखो पीछे से बेटा आवा थे। चलो बेटा। तो संगवारी हो, अपन घर पहुंच गए हैं। ये देखो ये मोर घर हरे। चलो अब अंदर चलते हैं। हो ये मोर दादी के घर हरे और यहीं होते पूजा मंदिर में। और ये हमर मन के बाड़ी हरे और ये देखो रुद्र बेटा भी आ गए। हाँ चलो। ओम श्री सदा सेवाय नमः, गंधो कृष्णानं समर्पयाम्यः, गंधो कृष्णान्ते शुद्ध जल स्नानमाने नमति गंगवामये वसो मम। तो संगवारी हो, आप मल्ला दिखत हुई मोर दादी बैठे है, मोर चाचा चाची हरे और ये हमर घर हरे। और अभी रुद्राभिषेक में महू जल चढ़ाए पर जात हूँ भोलेनाथ में। संगवारी हो, हमर घर के पूजा हमेशा मंदिर के पास हुआ है, लेकिन अभी हमर
वहाँ पर दुकान वगैरह बना थे, घर के काम चले थे करके वहाँ पे नहीं हो पाए। आप मन भी देखो संगवारी हो, दर्शन कर लो संगवारी हो। आशा करता हूँ आप मन की भी मनोकामना पूर्ण हो, सबके ज़िंदगी में खुशी रहे, यही मैं आप मन सब पर कामना करता हूँ। और हमारे देश में कोई भी संकट ना आए एकर लिए भी मैं कामना करता हूँ। और संगवारी हो, अभी भीड़ आना बाकी है, अभी शुरुआत ही है। अरे बहुत भीड़ हो जाते हैं हमारे घर। अरे मोर घर के जो आप मन दिखाऊँ बोला रहे तो आओ आप मन दिखाता हूँ। तो ये देखो संगवारी मन, हर साल यही पूजा होगा। ये देखो ये हरे मोर भोलेनाथ, और मैं आज बहुत खुश हूँ काबर की चार सोमवार में ये लास्ट सोमवार में उपवास कर पाए हों और आज पूजा करे बर आए हों। और ये देखो हमारे भोले बाबा। संगवारी हो, आप मन भी दर्शन कर लो, आप मन के भी मनोकामना जरूर पूर्ण हो ही। और मैं अभी पूजा पाठ करत हूँ, ज़्यादा चीज़ तो मैं नहीं लाया हूँ, लेकिन जितना लाया हूँ मैं उतना में ही पूजा करत हूँ। तो ये हरे संगवारी हो जिन मंदिर के बाद आप मन से करत रहे हो दिखाए बर, और बहुत मज़ा आई से। और बहुत दिन बाद उपवास रहे हो तो थोड़ा सा शरीर में कमजोरी भी लगत है। तो चलो संगवारी हो, ब्लॉग में बने रहो। पूजा अब अभी जाऊँ घर, और ज़्यादा तो उतना पूजा नहीं कर रहा हूँ, ज़्यादा सामग्री नहीं रही थी। तो ये भी संगवारी हो मोर घर और मोर घर के मंदिर। संगवारी हो, मैं पूजा करके आ गए हूँ और साड़ी वाड़ी निकाल दे हूँ। अभी ये देखो रुद्रभर में मखाना भूंजत हूँ और पापा भर बनात हों लाल चाय, मम्मियों में चाय बना के पी डले हैं काबर की जल्दी आना रही से। अभी फरहार भी बनाना है संगवारी हो, दीदी के जाए के बाद फिर से बताता हूँ। मतलब दीदी रहीस ना तो एक चीज़ नहीं छुआत रहे हूँ मैं। हाँ दीदी के जाए के बाद रुद्र तैयार करना, नहलाना, मम्मी के प्रॉब्लम है पैर में तो अभी शाम को पापा पर अलग खाना बनाना है और मम्मी उम्र पर फरहार बनाना है। रुद्र बेटा ला दूध दे हूँ अभी, और वो देखो अभी मखाना वगैरह भूजत हूँ। तो संगवारी हो, ऐसे तैसे दिन भर के मोर समय निकल जाते। और संगवारी हो, कमेंट करके ज़रूर बताओ आप मन कौन कौन भोलेनाथ के उपवास रहे हो और पूजा वगैरह में गे रहे हो करके। मोर तो पांच सोमवार में ये चौथा सोमवार ला बस उपवास रहे हो। आशा करता हूँ संगवारी हो आज के ब्लॉग आप मन अच्छे लगी सो ही, अच्छा लगी सो ही तो मोर चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दूँ, वीडियो ला लाइक कर दूँ। और हाँ आज ये सब वेशभूषा में मैं कैसे दिखाता हूँ ज़रूर बताओ संगवारी हो, हर हमेशा पहनने का मौका नहीं मिले, काम वगैरह ज़्यादा रही थे। तो चलो संगवारी हो, मिलूँ आप मन से एक अच्छा और नया ब्लॉग के साथ। तब तक ले जय जोहार, जय भारत माता, जय छत्तीसगढ़, जय भोलेनाथ।